हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस रावत की रसोई में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मिनी रसगुल्ले की रेसिपी, जिसे हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और स्पंजी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी रेसिपीज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, रसगुल्ला रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें दूध लेना है, और यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, तब हमें इसके अंदर 2 चम्मच विनेगर ऐड करना है। अगर आपके पास में विनेगर ना हो तो आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। सो देख सकते हैं कि हमारा जो छेना है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और दूध अच्छे से फट गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और हमें छेने के अंदर से पानी को बिल्कुल छान लेना है। सो उसके लिए हमें कोई कॉटन का कपड़ा लेना है और उसके ऊपर हमें इसे डाल के इसे ज़ोर से प्रेस करते हुए इसके अंदर का पानी बिल्कुल अलग कर लेना है। और जब ये पानी निकल जाए तो इसे चेंज करके हमें दोबारा इसे दूसरे पानी से धो लेना है अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई भी विनेगर या फिर नींबू का टेस्ट ना आए। सो इस तरह हमें प्रेस करते हुए बिल्कुल पानी को निकाल लेना है और इस पर गांठ मार के इसे लटका के रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके अंदर बचे हुए पानी भी निकल जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे अच्छे से मल लेंगे। और मलने के लिए हमें हथेली का इस्तेमाल करना, इस तरह से रगड़ते हुए हमें अच्छे से इसे मलना है। हमें इतना मलना है कि इसमें सॉफ्टनेस आ सके और हमारा जो डो है वो बहुत ही अच्छे से बन सके। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है बहुत ही अच्छे से बन रहा है। सो हमारे रसगुल्ले का डो बिल्कुल रेडी है और हमारी जो गोली है उसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप गोली बनाते वक्त क्रैक आए तो आपको दोबारा इसे मल के अच्छे से डो को रेडी करना है। सो इस तरह हम सारे रसगुल्ले रेडी कर ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिनी साइज़ के रसगुल्ले बना रही हूँ, तो मैंने गोली छोटी बनाई है, आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके लिए चाशनी रेडी करेंगे। और मैंने यहाँ पर 2 कप पानी लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप शक्कर, आप किसी भी कटोरी का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही इसके अंदर 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको चाशनी को ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाना है। सो ये पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और इसके अंदर हम डालेंगे छोटे वाले रसगुल्ले और इन्हें हमें अच्छे से बॉईल करना है करीबन 15 से 20 मिनट तक ढक के। और इन्हें उबालने के वक्त में हमें गैस का फ्लेम फास्ट रखना है। सो करीबन 15 से 20 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि हमारे जो रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब हम इसे निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो रसगुल्ले बहुत ही स्पंजी बने हुए, आप देख सकते हैं जब आप इनको निचोड़ोगे तो ये वापस अपने शेप में आ जाते हैं। तो इट मीन्स हमारे जो रसगुल्ले बहुत ही स्पंजी है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी भी बने हुए, और आप देख सकते हैं कि अंदर से भी ये बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप भी इसी तरह रसगुल्ले रेडी करके इंजॉय कर सकते हैं। सो बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।